हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास सेवन चैप्टर नंबर फाइव एसिड्स बेसिस एंड सॉल्स तो स्टूडेंट्स चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्स तो पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं बेसिस क्या होते हैं और सॉल्स क्या होते हैं तो so एक बेसिक चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री का तो ये चैप्टर आप ध्यान से समझना क्योंकि जो हमारी हायर क्लास की केमिस्ट्री होगी वो इसी पर बेस्ड होगी राइट तो ये आपका एक बेसिक लेक्चर है केमिस्ट्री का तो एसिड्स क्या होते हैं आपने घर में कर्ड खाई होगी ऑरेंज जूस भी पिया होगा तो जो एसिड होते हैं ये कर्ड की तरह ऑरेंज जूस की तरह टेस्ट में होते हैं खट्टे तो स्टूडेंट्स एसिड क्या होते हैं सार इन टेस्ट राइट right? तो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया ऑरेंज जूस कर्ड विनेगर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विनेगर क्या होता है स्टूडेंट सिरका और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एच सी एल राइट तो एसिड क्या होते हैं टेस्ट में होते हैं खट्टे और ये कॉरेसिव इन नेचर होते हैं यानी कि जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं और सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है एसिड की ये ब्लू लिटमस पेपर को बदल देता है रेड कलर में ये या आपको याद रखना है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड तो ये था एसिड्स के बारे में अब देखते हैं बेसिस क्या होते हैं बेसिस टेस्ट में होते हैं बिटर जैसे कि एसिड थे खट्टे बट बेसिस होते हैं टेस्ट में बिटर जैसे कि एग्जाम्पल दिया है सोप एमोनीयम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो टेस्ट में कैसे होंगे ये बिटर होंगे और बेसिस टू टच ये अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला दें तो ये स्लिपरी टच हम अगर उसको करेंगे तो ये थोड़े स्लिपरी से फील होंगे जैसे साबुन होती है ना स्टूडेंट्स साबुन में हम पानी मिलाते हैं तो झाग से आ जाते हैं और स्लिपरी स्लिपरी फील होता है तो इसी तरह से बेसिस की ये प्रॉपर्टी होती है और सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर रेड लिटमस पेपर लेते हैं तो वो बदल जाता है ब्लू कलर में रेड बदल जाता है ब्लू कलर में इन केस ऑफ बेसिस और ब्लू बदल जाता है रेड कलर में इन केस ऑफ एसिड्स तो ये था स्टूडेंट्स एसिड्स बेसिस और बेसिस के बारे में अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है अगर एसिड और बेसिस को मैं एक साथ रिएक्ट करवा दूं, एसिड और बेसिस को अगर मैं मिला दूं, तो बदले में मुझे मिलता है सॉल्ट वाटर और साथ में थोड़ी सी अमाउंट में हीट राइट right? तो इस रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता अगर एसिड को बेसिस को रिएक्ट करवा दे एक दूसरे के साथ तो बदले में सॉल्ट मिलेगा और मिलेगा वाटर राइट right? तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब जो ये रिएक्शन होती है इन दिस रिएक्शन एसिडिक एंड एंड बेसिक नेचर ऑफ एसिड बेसिस आर डिस्ट्रॉयड तो जब ये रिएक्शन होती है तो जो एसिड एसिडिक नेचर है बेस का बेसिक नेचर है वो खत्म हो जाता है राइट एंड द रिएक्शन बिटवीन जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है एच होता है एसिड एन ए ओ एच होता है बेसिस बदले में मिल गया सॉल्ट एन ए सी एल और मिल गया वाटर तो जो बदले में हमें मिला है वो ना तो एसिडिक करेक्टर का है ना ही बेसिक करेक्टर का है राइट right? अब सॉल्ट्स क्या होते हैं सॉल्ट होते हैं वो प्रोडक्ट जो न्यूट्राइजेशन रिएक्शन से हमें मिलता है जैसे कि हमने बात की थी सोडियम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया बदले में हमें एक सॉल्ट मिल गया राइट right? अब ये सॉल्ट अब यहाँ पर ये यह वाला तो करेक्टर खत्म हो गया एसिडिक बेसिक बट जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में राइट तो ये होते हैं सॉल्ट्स जो हमें आउटपुट में मिलते हैं अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में तो स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक करेक्टर को फाइंड आउट करने में राइट right? तो सब्सटेंसेस विच आर यूज टू टेस्ट टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर जैसे कि हम लिटमस पेपर का यूज़ कर रहे थे तो लिटमस पेपर क्या था एक इंडिकेटर था ओके तो ये होते हैं इंडिकेटर जैसे रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में बदल जाता है तो वो बेसिक करेक्टर होता है अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाता है तो एसिडिक करेक्टर होता है तो यहाँ लिटमस पेपर को हम यूज कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं चेक करने के लिए एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए तो लिटमस पेपर यहाँ होगा इंडिकेटर्स अब इंडिकेटर्स भी फर्दर अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे कि अभी हमने लिटमस के बारे में पढ़ा है ठीक है तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं नेचुरल यानी कि जो नेचर में मिलते हैं प्लांट से मिल गए जैसे प्लांट्स में हमारा चाइना रोज है ठीक है ये भी एक इंडिकेटर है टर्मरिक यानी हल्दी भी एक इंडिकेटर है तो ये होते हैं नेचुरल जो नेचर से हमें मिलते हैं जैसे कि यहाँ लिटमस पेपर एक नेचुरल अक्रिंग है और ये पर्पल इंडिकेटर होता है ये लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड जब हम मैंने जैसे बताया था लिटमस क्या होता है बेसिक सोल्यूशन कब बताता है जब वो बदल जाता है ब्लू कलर में रेड बदल जाता है ब्लू में और जब ब्लू बदल जाता है उल्टा जैसे होता है ब्लू बदल जाता है रेड में तो एसिडिक नेचर का होता है राइट right? और लिटमस पेपर स्ट्रिप ऑफ पेपर की फॉर्म में मिलता है या सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिल जाता है ओके okay. अब वही रेड लिटमस पेपर ब्लू इंडिकेटिंग बोल रहा है रेड लिटमस अगर टर्न होता है ब्लू में तो बेसिक ब्लू टर्न होता है रेड में तो एसिडिक अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें एन में भी दिया है फिनॉल फिथेलिन फिनॉल फिथेलिन क्या होता है ये भी इंडिकेटर होता है ये होता है एसिड बेस इंडिकेटर हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए फिनॉल फिथेलिन कैसा इंडिकेटर है तो इट इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर विच इज़ कलरलेस कलर भी पूछ लिया जाता है कलरलेस होता है ये इन एसिडिक सोल्यूशन बट ये पिंक में बदल जाता है पिंक टू रेड जब ये पिंक से रेड में बदल जाता है तो एल्कलाइन सोल्यूशन रहता है वहाँ पर और इसे सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोला जाता है कैसा इंडिकेटर है सिंथेटिक जैसे वो था नेचुरल इंडिकेटर लिटमस तो फिनॉल फिथेलिन है सिंथेटिक इंडिकेटर और इट इज़ यूज फॉर न्यूट्राइजेशन एक्सपेरिमेंट अब है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो स्टूडेंट्स ऑल फैक्ट्री होता है स्मेल तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर सब्सटेंस हु स्मेल चेंजेस अगर स्मेल बदल जाती है तो हम जज करते हैं कि ये the substance whose स्मेल चेंजेस कब बदलती है जब वो हम मिला दे किसी एसिडिक सोल्यूशन में या बेसिक सोल्यूशन में जैसे कि प्याज की स्मेल होती है क्लोव ऑयल की स्मेल होती है वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल होती है दीज आर द इंडिकेटर्स राइट right? अब है विजुअल विजुअल यानी देखने पर जो पता चले जैसे कलर बदल जाना जैसे लिटमस का कलर बदल रहा था ये होते हैं विजुअल इंडिकेटर्स सो दीज आर दबस्टांसिस यूज टू शो विजुअली आन द कंडीशन ऑफ सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर मटीरियल जैसे फ्री एसिड हो गया बेस हो गया उसमें मिलकर अगर कलर को बदल दे तो हम कहते हैं ये विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं राइट आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा अब है न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ डेली लाइफ में अगर हम न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है एक्चुअल में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ से रीजनिंग बहुत बनती है राइट right? तो देखते हैं है क्या ये अब स्टूडेंट्स सपोज हमारे स्टमक के अंदर एसिड क्योंकि हमें पता है हमारे स्टमक में एच पाया जाता है तो कभी कभी क्या होता है हमें एसिडिटी फील होती है क्योंकि

और वो क्यों लेते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए इफेक्ट को जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है हमारे स्टमक में तो यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं अब अगर चींटी काट लेती है तो स्टूडेंट्स क्या होता है चींटी काटने पे रेड रेड और आ, हमारा वो आ, ये स्वेलिंग सी हो जाती है राइट तो वहाँ पे होता क्या फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उनकी जो स्टिंग होती है उनमें फॉर्मिक उसकी वजह से जैसे वो हमें काटती है तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है अब उस फॉर्मिक एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है वहां पर रब किया जाता है बेकिंग सोडा यानी जो बेसिक के नेचर होता है क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है बेसिक को हम उसे मल देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा वो इफेक्ट राइट तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बताइए चींटी के काटने पर क्या होता है तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है और बेसिक इन नेचर क्या है बेकिंग सोडा को रब किया जाता है स्किन पर right now the next one is to ensure that plants can grow well the soil is treated with either acid or bases depending if it's basic कह क्या, क्या रहा है ये कह रहा है कि अगर हम प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं अच्छे अमाउंट में तो जो सॉइल को हमें ट्रीट करना पड़ता है अगर सॉइल हमारी बेसिक नेचर की है तो हम एसिड डाल देंगे अगर एसिडिक नेचर की है तो बेस उसमें डाल देंगे ताकि सॉइल अच्छे से हमें प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करें सिमिलरली जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं जनरली बींग एसिडिक इन नेचर एंड कोस एन्वायरमेंटल डैमेज आर ट्रेटेड विथ बेसिक सबस्टेंसिस बिफोर डिस्चार्ज मतलब कि जब फैक्ट्रियों से धुआं निक, निकलता है उसको ट्रीट किया जाता है उसको बेस एसिडिक करेक्टर से बेसिक करेक्टर में बदला जाता है ताकि हमारे एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट ना पड़े तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स